हेलो फ्रेंड्स, 2021 में बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर, यानी कि बात करें परीक्षाएं आपकी मई तक तो ठीक थी, लेकिन जो बड़ी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग जो आपकी परीक्षाएं हैं अब मई नहीं जून में परीक्षाएं होगी। यानी कि बड़ी बातें जो होगी 10वीं 12वीं के 2021 बोर्ड एग्जाम्स को लेकर सबसे बड़ी अपडेट देने वाला हूं। उससे पहले मैं एक वीडियो को क्लियर कर दूं, जो वीडियो होने वाला है ये केवल एक बोर्ड नहीं यानी कि देश भर के तमाम सभी बोर्ड्स के छात्रों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। यहां पे चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, यूपी, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, आईसीएसई, गुजरात बोर्ड जैसे तमाम देश भर के अदर स्टेट बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। उससे पहले यानी कि वीडियो को शुरुआत करें उससे पहले आप लोग नीचे जल्दी से जाइए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपके अनुसार आपकी अगर यानी कि फरवरी तक अगर आपकी परीक्षाएं नहीं होगी तो आपके अनुसार कब परीक्षाएं होनी चाहिए, मार्च में, अप्रैल में, मई में, इसको लेकर आप नीचे कमेंट करिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है जून में परीक्षाओं को लेकर। यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर किया कि फरवरी तक आपकी कोई भी परीक्षाएं नहीं होगी, यानी कि फरवरी के बाद ही आपकी परीक्षाओं की डेट आएगी और आपकी परीक्षाएं ली जाएगी। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है आपके स्टेट बोर्ड से, यानी सीबीएसई बोर्ड ने फरवरी तक जैसे ही डिले किए यानी कि कहा कि फरवरी तक कोई एग्जाम नहीं लेंगे, तो इसी के बीच जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के छात्र इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंटली होगा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरी कंप्लीट। तो सबसे पहले जानिए जो बड़ी अपडेट जो आ रही है जून लेकर, जो परीक्षाओं की डेट आ रही है उसको लेकर मैं पहले आपको कंप्लीट करता हूं कि जून को लेकर किस बोर्ड ने सबसे पहले इतना फास्ट रिएक्शन यानी कि सबसे पहले फास्ट फैसले किए हैं। और इस फैसले को लोगों सीबीएसई बोर्ड भी बता सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के छात्र क्या ये सीबीएसई बोर्ड में भी इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो डिले की बात है ये ओवरऑल छात्रों के लिए एडवांटेज इसलिए भी है क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये डिसएडवांटेज भी है कि आपका जो न्यू सेशन होगा वो काफी प्रभावित होगा। तो यानी ओवरऑल जो दोनों ही फायदे और नुकसान इसके हैं, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी जो खबर आ रही है पश्चिम बंगाल ने अपनी बोर्ड परीक्षाओं की टाल दी है। पश्चिम बंगाल के जो आपके शिक्षा मंत्री है उन्होंने एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा, उन्होंने सूचित किया कि वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, वो जो परीक्षाओं को जून में करवाना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने साफ साफ क्लियर किया कि परीक्षाओं को ना आपकी मार्च में ली जाएगी, ना अप्रैल में हम लेंगे, ना ही मई में लेंगे, परीक्षाओं को जून में लेंगे। यानी कि ये जो टाइम होगा स्कूल रीओपन होंगे तो इन छात्रों को प्रॉपर टाइम मिलेगा फिजिकली क्लासेस को लेने का, और बोर्ड एग्जाम्स में देने से पहले यानी बोर्ड एग्जाम्स में जाने से पहले प्रॉपर टाइमिंग उनको पढ़ाई करने का। वहीं एक और बात जो सबसे बड़ी बातें निकल के सामने आई है सभी बोर्ड के छात्रों के लिए, कहा यह जा रहा है कि देश में जब तक जो है वैक्सीन को लेकर एक सबसे बड़ी यहाँ पे वैक्सीन का फिर से जोड़ दिया गया है, स्कूल रीओपनिंग में भी वैक्सीन शब्द को जोड़ा गया था कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं खोलेंगे, तो वहीं वैक्सीन जब तक नहीं आ जाती है यानी वैक्सीन आने के साथ साथ जब तक लगाने का काम शुरू नहीं हो जाता, यानी कि जब तक आपका जो कॉमन यानी पूरी तरीके से कॉमन पीपल्स को आपके वैक्सीन नहीं लगना शुरू हो जाते तब तक माना जा रहा है कि ना ही आपकी परीक्षाओं को आयोजित नहीं हो पाएगी। वहीं मैं आपको अदर बोर्ड से रिलेटेड और भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं क्योंकि कई सारे स्टेट बोर्ड ने क्या किया है कि अभी तक उन्होंने एक टेंटेटिव जो है डेट शीट भी जारी कर दी है, तो उन छात्रों का क्या परीक्षा है वही डेट के अकॉर्डिंग होगी, इसको लेकर भी मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप एमएसडी सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एनअकैडमी लेके आया है आपको देश भर के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका। एनअकैडमी पे चल रही है देश भर के कई सारी आपकी एमएसडी सीटी की कई सारी बैचेस चल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं देश भर के टॉप एजुकेटर्स आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। यहाँ पे जो डेली बैचेस चल रहे हैं जैसे कि हम बात करें आपके जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि बात करें पीसीएम, पीसीबी, सभी छात्रों के लिए यहाँ पे बैचेस चलती है। यहाँ पे आप देखेंगे मैस्ट्रो बैच आपका चल रहा है एमएसडी सीटी के छात्रों के लिए, साथ ही साथ पीसीएम, पीसीबी, मैन इवनिंग बैच भी यहाँ पे चल रहे हैं, आपके हिंदी बैचेस भी चल रहे हैं आपके, यानी कि आपके अपने रीजनल लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पे बैचेस एमएसडी सीटी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। और बैचेस का जो लिंक है फ्रेंड्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एनअकैडमी आपको ओवरऑल जो है कई सारी आपको बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करा रहा है एमएसडी सीटी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए, लीडर्स बैच और यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस भी एमएसडी सीटी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए चलती है एनअकैडमी पे, और फ्री में आपको क्विजेस भी करवाए जाते हैं, फ्री में कई सारी क्लासेस भी आपको एनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप एमएससी सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीखिए हिंदुस्तान कोड करके इस्तेमाल करके आप जरूर से एक फ्री क्लासेस में ज्वाइन हुए, और कई सारी यहां पे क्विजिस क्लासेस चलती है। वहीं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपको प्रीमियम आपको कंटेंट मिलता है अफोर्डेबल प्राइसेस में, आपको स्ट्रक्चर लाइव कोर्सेस आपको मिलते हैं, रेगुलर इंटरवल आपको टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। तो ओवरऑल हम बात करें तो आपको एनअकैडमी आपको कई सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि हम बात करें तो इसका सीखिए हिंदुस्तान कोड का इस्तेमाल करेंगे तो एडिशनल 10% आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा, और वहीं बात करें आपको लाइव क्लासेस और फ्री में आपको टेस्ट देने के लिए भी आपको सीखिए हिंदुस्तान कोड का इस्तेमाल करना है। तो इसका लिंक फ्रेंड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, तो वहां से जरूर शुरू करके चेक करिएगा।
वहीं देश भर के तमाम स्टेट बोर्ड को लेकर खबरें आ रही है। जैसे कि आप यहाँ साफ साफ पढ़ सकते हैं, सीबीएसई के अलावा जो दो भी अदर अदर स्टेट बोर्ड है उन्होंने निश्चित समय पर परीक्षाएं न होने की संभावना है। यानी कि बात करें, अपडेट ये है कि जिनकी डेटशीट जारी हो चुकी है या जिनकी डेटशीट जारी नहीं हुई है, तो ऐसे में जो यूजुअली जो परीक्षाएं होती थी उस डेट में नहीं हो सकती है। क्योंकि ओवरऑल बात करें तो बड़े से बड़े बोर्ड जो है एग्जाम को डिले कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने डिले करने की जो बात है वो लगभग लगभग सभी स्टेट में होने वाले हैं। कई स्टेट ने तो पहले से ही निर्णय कर लिया था, जैसे कि बात करें महाराष्ट्र और गुजरात ने, कि मार्च तक परीक्षाएं नहीं हम पॉसिबल हो पाएगी। यानी कि मार्च के बाद अप्रैल और मई में ही ये दो बड़ी डेट्स है, इसके अकॉर्डिंगली हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहां तक जो क्लियर कट मना कर दिया था पहले ही मार्च तक को लेकर। फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक कर दीजिएगा लाइक। वहीं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बोर्ड से जुड़ी हुई हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। जय हिंद।